पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके करीबी कनाडा में बैठे गैंगस्टर लकी उर्फ गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि ये दो गैंग के टकराव का मामला है। बता दें, फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और यहीं से गैंग चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने 2020 में बड़ी छलांग लगाने की सोची। राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम सिंडिकेट बनाने के लिए हर राज्य के लोकल गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाने का प्लान बनाया। मकसद था उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड पर कंट्रोल। 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या करना चाहता था। इसके पीछे असल वजह यह है कि सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। पुलिस ने कहा कि लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से हैं, जिनके लिए काले हिरण पूजनीय हैं। सलमान खान की हत्या कर लॉरेंस बिश्नोई काले हिरण की हत्या का बदला लेना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्क का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे जेल में बंद रहने के दौरान भी गैंग को चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।